चले आगे बढ़ेंगे। जब लखनऊ में बिना जांच के महाकुंभ में नहीं मिलेगा प्रवेश, कई देशों में युद्ध के हालात का असर है, महाकुंभ पर दिखने की संभावना है। भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता देखते हुए उठाया गया कदम, अंतर्राज्यीय सीमाओं और अंतरजनपदीय सीमाओं पर चेकिंग होगी। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर बढ़ाई सुरक्षा, प्रयागराज की सीमा पर हर वाहन और व्यक्ति की चेकिंग होगी। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा में लिया गया फैसला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अंतर्राज्यीय सीमाओं और अंतरजनपदीय सीमाओं पर फैसला, खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और प्रयागराज की सीमा पर हर वाहन और व्यक्ति की चेकिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। जहां महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा में फैसला लिया गया और बिना जांच के महाकुंभ में नहीं मिलेगा प्रवेश, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिना जांच के महाकुंभ में नहीं मिलेगा प्रवेश, कई देशों में युद्ध के हालात का असर महाकुंभ पर दिखने की संभावना है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता देखते हुए उठाया गया ये कदम, अंतरजनपदीय सीमाओं और अंतरजनपदीय सीमाओं पर होगी चेकिंग। तो खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां प्रयागराज की सीमा पर हर वाहन और व्यक्ति की चेकिंग होगी, तो महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर फैसला, बिना जांच के महाकुंभ में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कई देशों में युद्ध के हालात का असर महाकुंभ पर दिखने की भी संभावना है और यही कारण है कि भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता देखते हुए कदम उठाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अंतर्राज्यीय सीमाओं और अंतरजनपदीय सीमाओं पर चेकिंग होगी, प्रयागराज की सीमा पर हर वाहन और व्यक्ति की चेकिंग होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा में फैसला लिया जाएगा, बिना जांच के महाकुंभ में प्रवेश नहीं मिलेगा।